मुंबई पलटन ये टीम खेलना जानती है, पलटवार करना जानती है। पॉइंट टेबल में भले ही 8वें नंबर पे था, लेकिन राजस्थान के खिलाफ बिल्कुल टॉप क्लास का गेम दिखाया है। मुंबई वर्सेस राजस्थान, इस मैच में राजस्थान बैटिंग करने आई और राजस्थान 212 रन का विशाल टोटल बना ली। लेकिन इनके स्कोरबोर्ड में ताजुब की यह बात थी कि राजस्थान का सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर का स्कोर 18 रन था। तो आप समझ ही सकते हो कि एक बंदे ने कितना धुलाई किया है। यशस्वी जायसवाल 62 बॉल और 124 रन की पारी। जायसवाल अनकैप्ड सेकेंड प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल में शतक लगाया हो। राजस्थान के सारे प्लेयर आउट हो रहे थे, लेकिन जायसवाल अपने ही फ्लो में मारे जा रहे थे। 200 का स्ट्राइक रन रेट, 8 छक्का और 16 चौके जड़े। 124 रन के पारी के वजह से यशस्वी जायसवाल के सर पर ऑरेंज कैप भी आया। पहले बॉल से लास्ट बॉल तक अकेले ही कूटते गए। अगर राजस्थान का कोई और प्लेयर चल जाता तो राजस्थान कितना बड़ा टोटल बनाता इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। 213 का टारगेट तो मुश्किल था, और जब एमआई इसको चेस करने आई तो बड़े बॉय रोहित शर्मा मात्र 3 रन ही बनाकर वापस लौट गए। लेकिन यहाँ से किशन ने 28 बनाए तो कैमरन ग्रीन भी 44 रन की पारी खेल डाली। लेकिन असली मजा तो सूर्य कुमार यादव के पारी में आया, जो कि 55 रन की पारी तो खेले ही, लेकिन इस दौरान उनका स्ट्राइक रन रेट 190 का था, जो कि एमआई को इस चेस में राजस्थान के बराबरी पर खड़ा कर दिया। लेकिन टैरेंट बोल्ड ने स्काई को भी चलता कर देते हैं। एक तरफ से रन बन रहे थे तो दूसरी तरफ से विकेट भी जा रहे थे। यही सिलसिला लास्ट ओवर तक चलता गया। लास्ट ओवर में चाहिए थे 17 रन, लेकिन स्ट्राइक पे खड़ा थे टीम डेविड, जो कि इस मैच को 3 बॉल में ही निपटा दिए। टीम डेविड तीनों बॉल को स्टेडियम के बाहर मार दिए। टीम डेविड ने मात्र 14 बॉल में 321 के स्ट्राइक रन रेट से 45 रन कूच डाले, जिसमें 2 चौके और 5 लंबे लंबे छक्के मारे, और एमआई इस मैच को 3 बॉल रहते 6 विकेट से जीत लिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।